Let us now solve more sums of second exercise of arithmetic progression. Question number 6th को देखते हैं. उन्होंने ये बोला है, check whether -150 is a term of AP. Is a term of AP. 11, 8, 5, 2 and so on. इस AP का पहला term है 11. कॉमन डिफरेंस है 8 - 11 विच इज -3. अब लेट से 150 अगर इसका टर्म है, इट इज सम टर्म, सम nth टर्म. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो क्या होना चाहिए, a का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी का वैल्यू है -3, यहाँ पे है -150. चलो मान लेते हैं कि 150 इसका है कोई तो टर्म, तो nth टर्म होगा, तो हम लोग n निकालने की कोशिश करेंगे. 11 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो -150 -11 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1. ये आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -161 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1. दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल आउट होगा, 161 अपॉन 3 विल बी n माइनस 1. इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 56.66 इज इक्वल टू n माइनस 1. यहाँ से n की वैल्यू आएगी 57.66. अभी देखो, अगर कोई टर्म किसी AP का है तो हमेशा इंटीजर ही होगा, n हमेशा इंटीजर ही आएगा. जैसे यहाँ पे देखो, 11 इज द फर्स्ट टर्म, 8 इज द सेकेंड टर्म, 5 इज द थर्ड टर्म, तो 3, 4, फोर्थ टर्म. कोई भी जो टर्म है उसका जो इंडेक्स होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हंड्रेड टर्म, तो ये कौन से नंबर का वो टर्म है, वो हमेशा इंटीजर होता है. यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, n is 57.66, तो नॉट पॉसिबल, 150 इसका टर्म हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसका जो इंडेक्स है वो इंटीजर नहीं आ रहा है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे. फाइंड द 31st टर्म ऑफ द ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड हुज 16th टर्म इज 73. नाउ 11th टर्म, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. एंड 16th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. तो दो इक्वेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है, एक है 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, एंड यहाँ पे 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी. इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 35, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0, 15 माइनस 10 दैट इज 5 डी. तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 35 अपॉन 5 विच इज 7. हम लोग ये जो d का वैल्यू 7 है वो हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या आएगा, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी. डी का वैल्यू है 7, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 70. यहाँ से a का वैल्यू आएगा 38 माइनस 70. Therefore, a is equal to -32. तो हमको इसका 31st टर्म निकालना है. सो t 31st टर्म क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी. डी का वैल्यू है 7, सो -32 प्लस 30 इंटू 7 विच इज -32 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 178. Next is question number 8. An AP consists of 50 terms. Number of terms is 50. AP में 50 terms है. Of which third term is 12. Third term is 12. And last term is 106. मतलब T50. 50th term is 106. Find the 29th term. टर्म नंबर 29 हमको निकालना है. सेम जो पहला सम हमने किया अभी थोड़ी देर पहले वैसे ही करना है.
टर्म थ्री हमको दिया है, टर्म थ्री इज 12 एंड टर्म थ्री क्या होता है ए प्लस 2d। टर्म नंबर 50 हमको दिया हुआ है, लास्ट टर्म 106, सो ए प्लस 105d यहाँ पे आएगा, नहीं टर्म नंबर 50 106 दिया है तो ए प्लस 49d यहाँ पे आएगा, ए प्लस 49 इंटू डी। यहाँ पे जो भी इंडेक्स होता है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नंबर लिख के डी लिखना होता है, तो दिस इज 49। इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 94 इज इक्वल टू ए माइनस ए कैंसिल आउट होगा, 49 माइनस 2 विच इज 47d। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 94 बाय 47, 47 का डबल ही 94 होता है तो कॉमन डिफरेंस इज 2। डी का ए वैल्यू 2 हम लोग यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, ए का वैल्यू है 8। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, t29 निकाल सकते हैं, t29 होगा a मतलब 8 प्लस 29 माइनस 1 मतलब 28 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2, सो 8 प्लस 28 टू साइज 56, 56 प्लस 8 इज 64 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म्स ऑफ ए पी आर 4 एंड माइनस 8, थर्ड टर्म इज 4 एंड 9th टर्म इज माइनस 8, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म, विच टर्म इज 0। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा टर्म 0 है, तो मतलब n निकालना है हमको, विच टर्म इज 0। तो फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं, t3 इज 4, t3 का डेफिनेशन क्या होगा a प्लस 2d, t9 इज माइनस 8, t9 का डेफिनेशन क्या होगा a प्लस 8d, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 आएगा, a माइनस a कैंसिल आउट होगा, 8d माइनस 2d होगा 6d, यहाँ से d का वैल्यू आएगा माइनस 2। डी का वैल्यू माइनस 2 हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो 4 इज इक्वल टू आएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2, 4 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू a आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा 8। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 है। अब हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, tn हमको बताना है कि कौन सा टर्म 0 है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 इज इक्वल टू a का वैल्यू आया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज माइनस 2, 8 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू n माइनस 1, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, यू गेट 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड फ्रॉम हियर यू गेट n इज इक्वल टू 5। पांचवा टर्म, फिफ्थ टर्म इस ए पी का जो है वो होगा 0, करके देखते हैं। देखो पहला टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 है, तो अगला टर्म क्या होगा, माइनस 2 करो 6, अगला टर्म क्या होगा 4, अगला टर्म क्या होगा 2, अगला टर्म क्या होगा 0। देखो इस ए पी का फिफ्थ टर्म 0 है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17वां टर्म 10वें टर्म से एक्सीड करता है बाय 7, कॉमन डिफरेंस निकालो। t17 का डेफिनेशन क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 मतलब 16d। t10 का फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9d इज इक्वल टू 7, a कैंसिल आउट होगा, 16d माइनस 9d दैट इज 7d, 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, विच टर्म ऑफ ए पी, एक ए पी देके रखा है 3, 15, 27, 39, इसका कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स
54th टर्म, ये एपी है, इसका कौन से नंबर का टर्म 54th टर्म से 132 टाइम ज़्यादा होगा, 132 से ग्रेटर होगा, 132 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्या है, हमको एन निकालना है, एन तो कौन वो टर्म की खासियत क्या है, उस एन टर्म की खासियत क्या है कि उसका आप सब्ट्रैक्शन लगाओ टर्म नंबर 54 से, तो इट इज़ ग्रेटर दैन टर्म नंबर 52 बाय 132। ये मीनिंग है, कोई तो एक टर्म है, कौन सा टर्म है वो हमको बताना है, कौन से नंबर का वो टर्म है वो ग्रेटर है टर्म नंबर 54 से बाय 132। तो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा देते हैं, टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 12, ए है 3 एंड कॉमन डिफरेंस है 12, फिर आएगा माइनस टर्म नंबर 54 का डेफिनेशन क्या होगा, ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132। यहाँ पे भी ए और डी का वैल्यू हम लोग प्लग इन करेंगे, सो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 12 को अंदर शिफ्ट करते हैं, 12 एन माइनस 12 माइनस साइन, ए इज 3 प्लस 53 डी, कॉमन डिफरेंस इज 12 इज इक्वल टू 132। यहाँ पे ये जो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 एन माइनस 12 माइनस साइन, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगी, 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आएगा माइनस वन, यहाँ पे आएगा 53 इज इक्वल टू 12 वन ज़ा 12 ऐसा इक्वेशन आएगा। ये 1 भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 53 भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो n का वैल्यू आएगा 11 प्लस 1 प्लस 53 विच इज इक्वल टू 65। 65th टर्म इस एपी का वो है जो अगर आप देखो तो 54th टर्म से वो 132 से ग्रेटर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उन्होंने ये दिया है दो APs है, तो मान लो AP1 एंड AP2, दो AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ये भी उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब पहला टर्म उनका अलग होगा। मान लो इसका पहला टर्म ए है और इसका पहला टर्म कैपिटल ए है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो लेट्स से इसका जो 100th टर्म है वो क्या होगा, ए प्लस 99 डी, ये इसका टर्म नंबर 100 है, और इसका टर्म नंबर 100 क्या होगा, ए प्लस अगेन 99 डी, ये इसका टर्म नंबर 100। तो ऐसा लिखते हैं, ये है टर्म नंबर 100 ऑफ AP1, दिस इज टर्म नंबर 100 ऑफ AP2। अच्छा, इन दोनों APs का जो टर्म नंबर 100 है उनके बीच का डिफरेंस 100 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है, तो A प्लस 99 डी माइनस A प्लस 99 डी इज 100, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 है। What is the difference between their 1000th term? ये उन्होंने पूछा है। तो इस AP का 1000th term क्या होगा? A plus 999 डी। और इस second AP का 1000th term क्या होगा? A plus 999 डी। यहाँ पे capital A आएगा। तो इनका difference हमको निकालना है। तो इनका difference क्या होगा? देखो, ये 999 डी, 999 डी cancel out होगा। यहाँ पे आएगा A minus capital A, which is equal to, अब इस इक्वेशन को देखो, 99 डी, 99 डी कैंसिल आउट, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज 100, तो यहाँ पे भी आएगा 100। कहने का मतलब 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वही 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस होगा। ये एज ए एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, दो APs बनाते हैं, ठीक है, इस मान लो पहला AP है, पहला टर्म है उसका 1, अगला टर्म है 3, फिर अगला टर्म है 5, अगला टर्म है 7 एंड सो ऑन,
एक और एपी बनाते हैं, एक और एपी बनाते हैं, मान लो 4 लेते हैं और कॉमन डिफरेंस 3 का लेते हैं, तो 7, फिर 10, फिर 13, ऐसे टर्म्स होंगे। अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखो 3, इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी ये एग्जांपल करेक्ट नहीं है, रुको। हाँ ये देखो, पहला एपी हमने लिया 1, 3, 5, 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है। एक और एपी लेते हैं, स्टार्टिंग टर्म 4, कॉमन डिफरेंस सेम मेंटेन करना है, तो अगला टर्म 6 होगा, 8, 10 एंड सो ऑन। अभी देखो पहले टर्म का डिफरेंस कितना है 3, सेकेंड टर्म्स का डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3। कहने का मतलब अगर दो एपीज है, दोनों अलग है और उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो उनका 100th टर्म का डिफरेंस, 5th टर्म का डिफरेंस, 10th टर्म का डिफरेंस, ये डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा।